मोदी जी जय जगन्नाथ। मैं प्रेमानंद मिश्रा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। एक बात आपसे, पहली बात बोल रहा हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी से नहीं बात कर रहा हूँ, प्रधान सेवक से जी से बात कर रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं। अभी आपका जो प्रधानमंत्री जी की योजना थी, पहले जो शुरुआत की है कि जो अपना जो मैंने स्वच्छ भारत अभियान पहली शुरुआत थी आपका, बहुत मिशन सक्सेस हुआ है और सक्सेस भी होगा, और उससे भी हम लोग चाहते हैं और वो मिशन को और भी सक्सेस करें। कैसा करेंगे बताइए। अभी देखिए जो भी आपके जो मिशन में, जो स्वच्छ भारत का मिशन में कहाँ पे भी जाते हैं तो सब चारों तरफ फोटो उठा के निकाल देते हैं, बहुत चारों तरफ कचरा निकला, कचरा कचरा मिलता है, तो साफ करने लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है और भी उससे भी सबको फायदा हो रहा है और अच्छा भी हो रहा है। मेरा कहना है आप एक बार हेलीकॉप्टर के ऊपर जाइए, देखिए ये जो सर में जैसा जो पॉलिथीन लगा हुआ है, पॉलिथीन पूरा मार्केट में पूरा देश में भर्ती हो गया है। तो भर्ती होने से क्या हो जाता है ना, कोई भी मान लीजिए जो जानवर खाते हैं पेट के अंदर चला जाता है, मर जाते हैं। तो दूसरी बात ये है, अभी इसमें एक समस्या समाधान हो सकता है। ये समस्या लगा हुआ है स्वच्छ भारत के अंदर ही, जितना भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट रहते हैं, कोई भी 10-15 आदमी जाते हैं लेके आ जाते हैं, ऐसा सब साफ ही कर देते हैं। मान लीजिए अब ड्रेस मिल गया कि कोई कपड़ा मिल गया, वो पहन के स्वच्छ अभियान कर देते हैं। तो उसमें क्या है कि आपका बजट बहुत बहुत इन्वेस्टमेंट रहता है, वही इन्वेस्टमेंट कोई जरूरत नहीं है आपको करने की, वही इन्वेस्टमेंट एक कंपनी कीजिए। कंपनी जो कि आप जानते हैं कि कैसा कंपनी है, जो जितना भी पॉलिथीन है हमारे पूरा विश्व भारत में जितना भी कंपनी है, वो कंपनी एक एक कंपनी बनाइए वहाँ पे। उसको क्या करना है, हम चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं, आप तो नहीं बना सकते हैं, हम उसी हिसाब से जो आपका जो मुद्रा योजना है, एक हमारा देशवासी जो है कि कुछ करना चाहते हैं, हमारे देश कुछ भी प्लानिंग रखे हुए हैं। तो ये जो पॉलिथीन है, पॉलिथीन में क्या होता है ना, पॉलिथीन को हम पूरा स्मैश कर देते हैं, मेल्ट करके उसमें क्या है कि रास्ते का काम बना देते हैं। इसमें क्या, इतना दिमाग मेरा नहीं है, जो भी कोई भी पॉलिथीन इंजीनियर है वो जानते होंगे कि इसको कैसा यूज करने से क्या हो सकता है। तो इसमें क्या होता है ना, आप पूरा हमारा देश पूरा खाली हो जाएगा, साफ सुथरा रहेगा। और एक बात है, दूसरी बात क्या होता है ना, अभी देखिए जितना भी जो इसमें क्या है कि कर्म नियुक्ति योजना मिल जाएगा, कोई भी कंपनी खोल दे, कोई भी प्रोडक्ट हमारे इंडिया में ही सेल होगा। अभी रास्ते का काम हो, चलो भाई रास्ते में भी ये यूज हो सकता है, बिना सीमेंट के साथ ये भी यूज कर सकते हैं हम। मेरा सोचना ही है, आप और जैसे भी हम लोग कुछ भी, मेरा दोस्त लोग मुझे बताए हैं कि ऐसा ऐसा समस्या में ऐसी पॉलिथीन को हम यूज कर सकते हैं, तो हो सकता है। और बिल्कुल जो अभी देखिए, बिल्कुल पॉलिथीन बैन कर देना, बैन करने से कोई समस्या का हल नहीं हो सकता है। समस्या हल कैसा हो सकता है पॉलिथीन के जगह, क्योंकि अभी देखिए पॉलिथीन ऐसा जरूरत पड़ गया लोगों को कि पॉलिथीन के बगैर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए बाजार जाते हैं तो पॉलिथीन भी मिलता है, अभी बैग लेके हम लोग नहीं जाते हैं क्योंकि वो ट्रेडिशनल चला गया है, बहुत दिन हो गया। हम बच्चे जब मैं बच्चा था, मैं बैग लेके जाता था, कोई चावल लेने की, दाल लेने की, आटा लेने की जाता था मैं, क्यों अभी नहीं जाता हूँ, अभी क्योंकि पॉलिथीन मिलता है। तो वही पॉलिथीन को हम धीरे धीरे चेंजिंग कर सकते हैं, और उसमें क्या है कि फायदा भी बहुत हो सकता है। एक तो बेरोजगार रोजगार मिल जाएगा उसमें, कुछ भी मेरा कुछ सोचना है, कुछ सोच कर रखा हूँ, कुछ प्लानिंग करके रखा हूँ मैं, क्योंकि ये देश के लिए, सब देश के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, मेरा खुद का कुछ ये नहीं है इसमें। मेरे भाइयों बहनों, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं आप, थोड़ा मुझे आप कमेंट देते हैं, मैं देखता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं उड़ीसा का हूँ। दूसरी बात है, मुझे थोड़ा हिंदी नहीं आता है, जितना पढ़ा लिखा हूँ उतने से हिंदी में चला देता हूँ, मगर मैं क्या खाता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ ऐसा मत सोचिए, मैं क्या बोलता हूँ क्या आप समझते हैं वही समझिए, यही मेरा आपको रिक्वेस्ट है। और कुछ भी सेवा ही मैं करना चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं खाली बोल सकता हूँ कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, और कुछ भी जो बेरोजगारी और जो गरीबी मिट सकती है हमारे भारत में। और कितने साल हम ऐसा ही रहेंगे, कुछ तो हमको कोई करना पड़ेगा ना, कुछ भी करना पड़ेगा ना। तो भाई धीरे धीरे मैं आपको सब समस्या धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, हम कर सकते हैं।
हम नौजवान हैं, हम कर सकते हैं, हम देश के लिए उन्नति कर सकते हैं। जय जगन्नाथ।